राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में खुलकर प्रचार करने के लिए केवल 3 दिन ही बचे हैं। 23 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को क्षेत्र में लेकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर की नगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली की। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में रामनवमी के जुलूस पर बैन लगता है। कार्य करती है और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, विकास भी कराया, भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया। और कांग्रेस की सरकार के समय तो रामनवमी के जुलूस पे बैन लगते हैं, बैन पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लाल सोट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता था, आज वो कराह रहा है। जिस राजस्थान में भक्ति और शक्ति दोनों एक साथ बहती हुई दिखाई देती थी, जो राजस्थान अपने आन बान और शान के लिए जाना जाता था, भाइयों बहनों, राजस्थान आज यहां पे करा रहा है। कहीं कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, कहीं पर बहन और बेटियों के साथ जिस प्रकार का अपराध होता है, आज राजस्थान के बारे में, राजस्थान की इस बदहाल स्थिति के लिए राजस्थान जाना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केकड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि अगर आप उनसे महंगाई की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगेंगे। योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है, सब्जी फल फूल टमाटर चाय पत्ती तेल सब महंगा क्यों है, तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी, हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया, नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। उधर दूसरी तरफ भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जम्मू रामगढ़ में एक रैली की। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि राजस्थान की सरकार मदरसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राजस्थान में कोई कन्हैयालाला ना बने, राजस्थान में 7000 मदरसा बनाने के लिए गहलोत जी सरकारी जमीन देके रखा है। ये कैसा तुष्टिकरण का राजनीति है। आसाम में हम उधर मद्रासा बंद कर रहा हूं और यहां गहलोत जी मद्रासा बनाने का लाइसेंस देके रखा है। आप लोग सोचिए, आपको यह तुष्टिकरण का राजनीति पसंद है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहत मिलेगी।